हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि KTM RC 390 जो BS6 न्यू मॉडल है, जो 3 नया मॉडल लॉन्च हुआ था अभी BS6 का, तो उसमें आप KTM नया मॉडल BS6 में आप या फिर आपके पास KTM का BS6 या फिर आपका कोई भी मॉडल हो उसमें आप हजार्ड लाइट फ्लैशर, जो इंडिकेटर का हजार्ड लाइट फ्लैशर होता है, उसको कैसे लाते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उसकी फिटिंग और उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है BS6 मॉडल में या फिर आपके पास BS4 मॉडल हो। तो देखते रहिए दोस्तों वीडियो को। देखिए दोस्तों BS6 RC 390 है, और ये इसका हजार्ड लाइट फ्लैशर है। इसमें 4 वायर हैं। तो इसकी फिटिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको क्या करना है, जो इसकी ये लाल वाली वायर है ये पॉजिटिव करंट की है, आपको इसको बैटरी का करंट देना है इसमें 12 वोल्ट का। और ये जो ब्लैक है ये आपको बॉडी अर्थ की है, जैसे ये मैंने दिए हुआ है। और ये जो दो वायर बची हैं इसको आपको क्या करना है, आपको पीछे वाले जो इंडिकेटर हैं एक लेफ्ट साइड में दे देना और एक राइट साइड में देना है। तो इसकी फिटिंग कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। लाल वाली वायर पे आपको क्या करना है, एक ऐसे स्विच लगा देना है, जैसे ये लग रहा है, ये मैंने इसको स्विच की वायर के एक लाल वाली पे लगा के इसको टेप कर दूंगा। और दूसरी जो उसकी बैटरी की करंट की वायर चाहिए, इसको आपको क्या करना है, जो बैक लाइट की सॉकेट है, ऐसी सॉकेट है, उसमें जो ब्राउन कलर की वायर है ये ब्राउन वाली, इसमें 12 वोल्ट का बैटरी का करंट आता है, ठीक है जी। आपको ये वायर एक्स्ट्रा ऐसे छोल करके इस सॉकेट में लगा देना है, बिना किसी कट के ऐसे लग जाएगी और ये 12 वोल्ट आपको स्विच पे चला जाएगा, इस बटन पे। वहाँ से जब आप इसको ऑन करेंगे तो इसके जो हजार्ड लाइट फ्लैशर है इस पर करंट आ जाएगा, और आपने एक इसकी अर्थिंग दी हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देख मैंने सिर्फ इसकी 2 वायर लगाई हैं और ये काम करना शुरू हो गया। जैसे स्विच ऑन करोगे ये देखिए आवाज़ आ रही होगी, ये ऐसे काम करना शुरू हो गया। और अब मैं बटन को बंद कर देता हूँ, ये हो गया बंद, ठीक है जी। तो अब मैं इसकी बाकी के दोनों वायर आपको बताता हूँ कि इन 3 सॉकेट में इंडिकेटर ये कौन सी वायर है। ये ग्रीन कलर का हो गया लेफ्ट साइड का, और ये ग्रे कलर का हो गया जो इंडिकेटर, ये ग्रे कलर का सॉकेट या राइट साइड का सॉकेट है। और आपको क्या करना है, इस ग्रे वाली सॉकेट में आपको एक पीली वायर दे देनी है, और ऐसे ही एक ग्रीन वाली वायर में एक और येलो वायर दे देनी है। तो पहले मैं इसकी फिटिंग कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये इसकी फिटिंग हो गई है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक वायर मैंने येलो ग्रीन वाली में लगा दिया और एक ग्रे वाली में, और बैटरी का जो करंट था वो बैक लाइट की जो ये थोड़ी सी ये ब्राउन से कलर की वायर है इसमें पॉजिटिव करंट था, वो पॉजिटिव करंट मैंने इसको दे दिया स्विच के साथ, और एक इसको बॉडी अर्थ दे दिया। तो ये आपको दिखाता हूँ वर्क कैसे कर रहा है। अब इसका पैटर्न चेंज करके दिखाता हूँ मैं।